Hello everyone, welcome to Genique Education. So in the previous lectures we have discussed about the some problems and also the concepts regarding the reciprocity theorem. और भी हम इस लेक्चर में नेक्स्ट इस वाले लेक्चर में आप देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चंस इसके पॉसिबल है. तो अगेन मैं एक फिर से ये दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन ईएससी. जैसा मैंने पहले बताया गेट में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेंगे, बट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. मे बी पॉसिबिलिटी गेट में भी क्वेश्चन इस तरीके के फ्रेम और भी हो सकें. ठीक है, तो आप देखिए जरा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आप बताइए मेरे को. क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि मेरे पास कोई नेटवर्क N है, ये नेटवर्क N, ठीक है, इट इज लीनियर रेसिप्रोकल नेटवर्क. ऑलरेडी इन्होंने कहा है कि ये रेसिप्रोकल है. ठीक है, और अगर ये ऐसा है तो आप सोचिए जरा इसको एलोबरेट करते हैं कैसे करना है. आपको फाइंड आउट करना करंट आई की वैल्यू. दिस इज करंट आई. मैंने आपको बताया था जब भी रेसिप्रोसिटी आप तभी लगाते हो जब आपके पास केवल एक सिंगल सोर्स होता है. ठीक है, बट जिसमें तुमको रिस्पॉन्स फाइंड आउट फाइनली करना कैपिटल आई, उसमें आप देखो दो आपके वोल्टेज सोर्सेज आपके इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब अकेली रेसिप्रोसिटी तो आप नहीं लगाओगे. क्लियर उतनी बात. इसका मतलब आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको सुपरपोजिशन की. तो आप बताइए मेरे को, तो मैं कहूंगा कैपिटल आई अगर निकालना है तो मैं तुरंत किसको फॉलो करूंगा, स्टेप वन. ठीक है, मैं क्या लगाऊंगा, व्हेन कंसिडरिंग 30 वोल्ट सोर्स. ठीक है, जब आप 30 वोल्ट सोर्स लोगे तो बताइए 6 वोल्ट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड, डीएक्टिवेटेड. तो बोलिए नेटवर्क कैसा आपको दिखाई देगा. बोलो बेटा टर्मिनल्स चेंज नहीं, नेटवर्क चेंज नहीं है. तो टर्मिनल A1, A2, B1, B2, ये हो गया बेटा कितना 30 वोल्ट प्लस माइनस, करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट यहां बताइए जरा कितना आपको दिख रहा है, शॉर्ट सर्किटेड. तो आपसे पूछा गया कि ये वाली करंट का नाम दे दिया मैंने I1, रिस्पॉन्स में निकाल रहा हूं. तो पहला आपका 30 वोल्ट की वजह से I1 की वैल्यू मैं निकाल लूंगा. तो आप बताओ बेटा, ठीक है, कितना होगा, ध्यान देना जरा. ठीक है, दिस नेटवर्क इज अ रिजेंबलेंस ऑफ दिस नेटवर्क और नॉट, जल्दी बोलो मेरे को, फटाफट बोलो आंसर. दिस नेटवर्क एंड दिस नेटवर्क दोनों रिजेंबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. और बताइए ये अगर 12 वोल्ट है, ये कितना 30 वोल्ट है, इस दोनों नेटवर्क में क्या चीज डिफरेंट है. आपका वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, आपका स्केल कर दिया गया. ये 12 वोल्ट, अब ये कितना हो गया 30 वोल्ट. तो बताइए इसका मीनिंग हो गया, ये 30 वोल्ट जो है वो स्केलिंग फैक्टर, यहां निकालो के इज इक्वल कितना आएगा, 30 डिवाइड बाई कितना 12, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, 30 डिवाइड बाई कितना 12. तो इसका मतलब करंट भी आपकी क्या होगी, उतने से ही स्केल होगी. वोल्टेज भी क्या होगा आपका, उतने से ही स्केल हो जाएगा. तो आप बताइए यहां पे जो करंट आएगी वो कितनी करंट होगी, 2 एम्पीयर लिखा है तो 2 पुरानी करंट हो गई, और स्केलिंग कितने से होगी 30/12. तो मैं कितना लिखूंगा, 30 डिवाइड बाई कितना बेटा 12, करेक्ट है. तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर. ये भी करेक्ट हो गया 5 एम्पियर. तो ये वाली करंट आ जाएगी यहां पर. और बताइए यहां ये 4 एम्पियर जो लिखा हुआ अब कितना हो जाएगा. तो मैं यहां लिखूंगा I1 की वैल्यू जो आएगी, पहले जो 4 थी 4 मल्टीप्लाइड बाई स्केलिंग फैक्टर 30 डिवाइड बाई कितना बेटा बोलो 12. तो कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर. इज इट करेक्ट, 4 थी 12, 3 टेंजा कितना 30, करेक्ट है. तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 एम्पियर ड्यू टू दिस सोर्स. नेक्स्ट स्टेप 2 बढ़ते हैं जरा. स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो स्टेप 2 में चलते हैं जरा. अब बताइए कौन सा सोर्स मैं लूंगा. नाउ कंसिडरिंग ओनली 6 वोल्ट है कि 60 वोल्ट है, 6 वोल्ट है 60 वोल्ट, लेट मी चेक दिस वन, 6 वोल्ट और 6 वोल्ट, इट्स अ 6 वोल्ट, करेक्ट 6 वोल्ट. तो आप बताइए लेट दिस 6 वोल्ट इज कंसिडरिंग, 6 वोल्ट इज कंसिडरिंग, तो बताइए 30 वोल्ट क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दो बेटा दैट विल बी शॉर्ट सर्किटेड. तो आप बताओ अब इसके लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास कैसा नेटवर्क दिखाई देगा, जरा बोलिए. अब यहां पे क्या आएगा आपके पास, दिस इज शॉर्टेड. नेक्स्ट ये आपका नेटवर्क बन गया, नेटवर्क इज नॉट गेटिंग चेंज. दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज B1, दिस इज व्हाट B2, ठीक है, करेक्ट. ये आपका क्या हो जाएगा, दिस वन इज नाउ बिकम 6 वोल्ट प्लस माइनस कितना 6 वोल्ट, करेक्ट है. ठीक है, अब बताइए अब इस करंट को मैंने मान लिया, ये वाली जो करंट होगी इसका नाम मैंने क्या दे दिया बेटा I2 दे दिया, करेक्ट है. तो आप बताइए आपको रिस्पांस तो यही निकालना ना, यहां कितना रिस्पांस आएगा. ओके, अब देखो जरा ध्यान से, ये नेटवर्क जो दिख रहा है आपको इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. तो आप बताइए इसमें और इसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम अगर मैं लगाता तो मेरे क्या मिलता, इस नेटवर्क का अगर मैं बनाऊं रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाऊं तो बोलो सोर्सेस को मैं इंटरचेंज करूंगा तो क्या बनेगा, जल्दी से बोल दो बेटा, नाउ इट विल बिकम A1
दिस इज ए टू, दिस इज बी वन, दिस इज वॉट बी टू, करेक्ट है. नेक्स्ट बताइए यहां क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दो. इस टर्मिनल पर आ जाएगा 12 वोल्ट, तो मैं कितना लिख दूंगा, दिस इज प्लस माइनस कितना बेटा बोलो 12 वोल्ट. इस टर्मिनल जो करंट डायरेक्शन देखो डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो दिस विल बिकम 2 एम्पियर. करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो बोलिए ये नेटवर्क और ये नेटवर्क एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. और अगर ऐसा है तो आप बताइए इस नेटवर्क और इस नेटवर्क डिफरेंस क्या है बेटा, दिस सोर्स हैज बीन स्केल्ड हियर कितना 6 वोल्ट. जरा स्केलिंग फैक्टर निकाल दें, यहां कितना आ जाएगा 6 से स्केल हुआ है मतलब कम हुआ है, तो 6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 1/2 से इसकी क्या हो गई स्केलिंग हो गई. तो बताइए रिस्पॉन्सेज भी उतने से ही स्केल हो जाएगा. तो अगर रिस्पॉन्स की मैं बात करूं ये वाली करंट, तो ये वाली करंट देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन थी जबकि ये वाली अपवर्ड है, तो इसका मतलब इसका जस्ट या अपोजिट आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं लिख दूंगा I2 जो आएगा पहली बात तो नेगेटिव आएगा. क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स डाउनवर्ड आना चाहिए था बट ये इस डायरेक्शन मुझको लेना है, तो बोलो माइनस हो गया. तो माइनस अगर आएगा कितना आ जाएगा बेटा, पुरानी करंट कितनी है 2 एम्पीयर इनटू स्केलिंग कितने से हो गई 1/2 से, तो बोलो कितना आ गया माइनस का 1 एम्पीयर. इज इट ओके ऑन ऑल? ठीक है. अब बताइए टोटल करंट अगर आई मैं अब कहूं तो फर्स्ट सोर्स की वजह से I1 की वैल्यू थी 10 एम्पीयर, तो I1 प्लस I2 दोनों मैंने सेम डायरेक्शन करंट ली थी इसलिए मैंने ऐड किया, तो बोलो कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना 1 इज इक्वल कितना 9 एम्पीयर. तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इट्स अ 9 एम्पीयर करंट. तो 9 एम्पीयर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आएगा, तो 9 एम्पीयर आपका क्या होगा राइट आंसर होगा. बट अगर आपने यहाँ I2 की जगह आप माइनस अगर ये ना लगाते और यहाँ लिखते 1 एम्पीयर, तो आप यहाँ के लिए इतना 11 एम्पीयर लिखते, दैट विल बिकम द रॉन्ग आंसर. क्लियर उतनी बात? आपको हर चीज ध्यान में रखना है कि आपको किस वे में लेके चलना है, तो कितना आंसर आएगा इसका, दैट इज इक्वल टू 9 एम्पीयर. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रेसिप्रोसिटी को एग्जैक्टली कैसे आपको यूज करना है. तो रेसिप्रोसिटी को जैसे यूज करना है यूजिंग योर सुपरपोजिशन होमोजेनिटी का, बार बार एप्लीकेशन देख रहे हो होमोजेनिटी कैसे यूज करना है, रेसिप्रोसिटी ही थ्योरम आप देख रहे हो VTH का फाइंड कैसे करना है, तो सब कुछ बेटा एकदम प्रॉपर वे में कनेक्ट करते चलोगे तो चीजें उतनी अच्छी होती चली जाएंगे और आपका कंसेप्ट उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा. ठीक है, और पढ़ते हैं और देखते हैं इस पे और क्या प्रॉब्लम्स हम टैकल कर सकते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर नेटवर्क ऑफ फिगर ए एंड बी, दीज टू आर द फिगर्स. ठीक है, फाइंड द वोल्टेज आई. ठीक है, अगर आपको निकालना इस करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कुछ इस तरीके का नेटवर्क है, तो आप बताइए आपको अगर ये करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आप 2-3 चीजों के बारे में सोच सकते हो, थेवेनिन के बारे में सोच सकते हो, एक ही सोर्स आपके पास अवेलेबल है, केवल आप थेवेनिन थ्योरम सोच सकते हो और रेसिप्रोसिटी का इसमें एप्लीकेशन आप देख सकते हो. देखते हैं जरा कैसे सॉल्व होगा. अगर मुझे इस करंट को निकालना होती, यह हमारा लोड बन गया, तो इसको ए टर्मिनल मान लो, इसको बी टर्मिनल मान लो, तो मैं कुल मिला के अगर मैं ए बी टर्मिनल के क्रॉस क्या क्या निकाल लूं, मैं VTH निकाल लूं, करेक्ट हुई इतनी बात, तो मैं क्या लिख दूं यहां पे जल्दी से बोलिए RTH, और यहां क्या लिख दूंगा मैं VTH, तो ये मेरा RTH VTH हो गया ए बी टर्मिनल के क्रॉस, और यहां मैं क्या लिख दूंगा लोड रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 ओम. तो मैं तुरंत इस करंट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं कि कैसे होगा. करेक्ट है, ठीक है. तो आप बताइए मेरे को, अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले RTH और VTH की बात करूं, सबसे पहले RTH की बात करता हूं, चलो RTH की बात करते हैं. RTH अगर निकालना होता इस नेटवर्क का, सबसे पहले बताइए ये सब खत्म, बोलिए जरा ये सब खत्म हो गया. ठीक है, तो आप बताओ अगर RTH आपको निकालना है तो आपको क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा बोलिए. इस टर्मिनल के क्रॉस अगर RTH चाहिए तो RTH करने के लिए आपके पास एक टेस्ट वोल्टेज अप्रोच है, दिस इज VT एंड दिस करंट को मैंने क्या मान लिया IT. ठीक है, जब भी आप टेस्ट वोल्टेज अप्रोच लगाते हो तो ये क्या होता है शॉर्ट, तो ये क्या हो जाएगा शॉर्ट कर दूं मैं इसको, आप मान लो शॉर्ट हो गया, तो ये 60 वोल्ट खत्म हो गया यहां, दिस विल बिकम नाउ शॉर्टेड. तो दिस नेटवर्क एंड दिस नेटवर्क सी दैट थिंग. ठीक है, दिस इज VT मैंने कहा कुछ भी वैल्यू आप ऑप्ट कर सकते हो, बट दिस मस्ट बी शॉर्टेड, इंडिपेंडेंट सोर्सेज मस्ट बी शॉर्टेड, तो शॉर्टेड है. यहां का रिस्पॉन्स बताइए VT वैल्यू अगर तुमने 20 वोल्ट दिया है तो बताइए ये वाली करंट कितनी आई 5 एम्पीयर, तो बोलो VT/IT का रेशियो क्या दिख जाएगा आपको, दैट इज इक्वल टू 20/5, तो ये कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 4 ओम. करेक्ट है, तो 4 ओम मेरा क्या आ गया RTH, तो RTH हो गया, RTH की वैल्यू फिक्स्ड हो गई, दैट इज इक्वल टू कितना 4 ओम. और आपको बता दूं RTH जो होता है, RTH की जो वैल्यू होती है वो आपका फंक्शन नहीं होता किसका, इंडिपेंडेंट सोर्सेस का, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्सेस वैसे भी आपके खत्म हो चुके होते हैं. बट VTH और जो आपका ISC होता है, जो नॉर्टन करंट होती है और जो VTH होता है, वो हमेशा फंक्शन होता है किसका, इंडिपेंडेंट सोर्सेस का. क्लियर उतनी बात? ठीक है, अब बताइए चलो RTH निकल गया, अब मैं अगर VTH निकालना चाहूं इस पे, तो VTH अगर निकालना, बोले नेटवर्क कैसा बनेगा जल्दी से बता दो मेरे को, VTH अगर इस टर्मिनल पे निकालना है तो फटाफट बोलिए VTH, मैं ये ले लिया VTH, दिस इज माय VTH.
करेक्ट है, ठीक है। वीटीएच अगर ये है, वीटीएच अगर ये है तो वीटीएच निकलेगा कैसे? वीटीएच अगर निकालना है तो बताइए क्या कोई सोर्स पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं, इसको एज इट इज रखा जाता है, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 60 वोल्ट, तो ये एज इट इज रहेगा। अब मुझे वीटीएच यहां निकालना है, मतलब यहां का ओपन सर्किट वोल्टेज आपको निकालना है, करेक्ट, प्लस माइनस VTH। और RTH आपको पता है, VTH आपको निकालना है, तो आप बताइए आप इजीली निकाल सकते हो कैसे? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, RTH इज कैन आल्सो बी रिटन एज VTH डिवाइड बाय क्या, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, इज इक्वल टू, तो VTH इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ISC टाइम्स ऑफ कितना RTH। तो मैं सिंपली सबसे सिंपलेस्ट वे में सोचूं, अगर तो VTH अगर निकालना तो मैं इस टर्मिनल शॉर्ट सर्किट करंट ना निकाल दूं, तो अगर शॉर्ट सर्किट करंट में निकालूं तो बोलो जरा कितना आ जाएगा? बोलिए बेटा शॉर्ट सर्किट अगर करंट में निकालूं तो ये शॉर्ट सर्किट यहां करंट होगी, इसकी डायरेक्शन मैंने ISC ये ले लिया। तो आप बताइए ISC अब मैं निकाल सकता हूं कैसे? ठीक है, जब भी शॉर्ट सर्किट करंट निकाला जाता है क्या इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हटाया जाता है? नहीं हटाया जाता है, तो बोलो ये नेटवर्क जो है इसका रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा? तो बताओ इसमें अगर रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा? 20 वोल्ट सोर्स यहां पे आएगा, 2 एम्पियर वाली जो करंट होगी वो यहां पे आएगी, तो बोलिए ये वाली करंट जो होगी वो किसका फंक्शन मिलेगी? 2 एम्पियर का। दूसरा ये 20 वोल्ट आपका इधर आएगा तो ये 20 वोल्ट होगा, बट यहां 60 हुआ तो मतलब स्केल हुआ होगा, स्केल कितने से हुआ होगा? K इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल कितना 3 आया कि नहीं आया? तो स्केलिंग फैक्टर 3 हुआ, तो बोलो करंट जो पुरानी करंट 2 एम्पियर है यहां पर जो करंट आएगी, तो बोलिए 2 एम्पियर भी स्केल K से होगा 3 से, तो बोलिए 2 टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। तो ISC वैल्यू बेटा कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो बोलो जरा ISC वैल्यू 6 आ गई, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय RTH, RTH की वैल्यू है 4, तो कितना हो जाएगा 24 क्या वोल्ट, करेक्ट है। तो ये आ गया 24 वोल्ट, ओके, और ये कितना आ गया 4 ओम। तो आपसे पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है बेटा, क्या पूछा है जरा बताइए, करंट की वैल्यू कितनी होगी इफ देयर इज अ 5 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड, ठीक है। तो 5 ओम अगर बेटा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, 5 ओम मैंने लिख दिया यहां पे, ध्यान देना जरा, ठीक है, 5 ओम का अगर रेजिस्टेंस है, करंट जो होगी वो ये बेटा ए टर्मिनल था, ये बी टर्मिनल है, आपसे कौन सी करंट पूछा है? आपसे ये वाली करंट पूछा, ए से बी की तरफ जो जा रही है, तो ए से बी की तरफ जा रही है, तो मतलब क्या हो गया आपके पास बताइए जरा? ए से बी की तरफ अगर जा रही है आपकी करंट, तो बोलिए जरा क्या चीज आपको दिखाई देगा? ये करंट जो 5 ओम में जाएगी, दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू कैपिटल आई, और कैपिटल आई की वैल्यू अगर मुझको कैलकुलेट करना है तो आप बताओ मेरे को कैसी करंट मिल जाएगी? बोलिए जरा, आई इज इक्वल टू हो गया VTH डिवाइड बाय 4 और ये कितना 5, कितना हो गया 9, तो आई की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा 24 डिवाइड बाय कितना 9, इतना एंपियर इज द आंसर। तो 24 डिवाइड बाय 9 क्या हो गया आपके पास? आंसर हो गया। तो आपके पास ये आंसर कितना आ जाएगा? 24 डिवाइड बाय कितना 9, तो ये आपकी करंट वैल्यू होगी। पावर की बात करता तो आप करंट पता है, पावर भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। आपसे बेटा जिसके बारे में भी जो भी बात करें, आप पूरी चीजों क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम कैसे लगाओगे, थेवेनिन को उसमें कैसे अप्लाई करोगे, सुपरपोजिशन को कैसे आप अप्लाई करोगे। तो अपने बेसिक्स को बस ध्यान रखोगे अगर, तो चीजें एकदम प्रॉपर फॉर्म में होंगी, तो बिल्कुल आपके अच्छे फॉर्म में रहेंगे। करेक्ट हुई इतनी बात? तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया, सुपरपोजिशन भी कंप्लीट कर लिया, थेवेनिन भी कंप्लीट कर लिया, आपका नॉर्टन भी कंप्लीट कर लिया, एमपीटी भी कंप्लीट कर लिया, और रेसिप्रोसिटी के भी जो डाउट्स थे उस तरीके के भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोसिटी में भी क्या किया जाता है। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा, अब उसमें मैं बताऊंगा आपको कि आप ये पूरे जितने अभी तक थ्योरम्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उसको कैसे रिवाइज आपको करना है, ठीक है, वो सबसे पहले इसके बाद लेक्चर आएगा। नेक्स्ट उसके बाद एक लेक्चर और आएगा, और उस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि आप अब नेटवर्क थ्योरी का टॉपिक वाइज पहला टेस्ट आप अटेम्प्ट करके देखो, जिसमें सिलेबस जो होगा आपका क्या होगा, आपका फंडामेंटल्स होता है और आपका क्या होता है नेटवर्क थ्योरम्स होता है, इतना सिलेबस होता है कई टेस्ट सीरीज में, और कुछ अलग अलग होता है, बट उसके लिए वरी मत करो, ठीक है। जिसमें भी नेटवर्क थ्योरम फंडामेंटल का हो आपका सिलेबस, टॉपिक वाइज टेस्ट ऑफ नेटवर्क में उसको कैसे हैंडल करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपके दोनों चीजें आएंगे। तो आप उन दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसी वे में करिएगा, तो आपकी चीजें एकदम प्रॉपर होंगी। और फर्दर हम बढ़ेंगे और वहां पर देखेंगे कि आप ट्रांजिएंट हम स्टार्ट करेंगे और ट्रांजिएंट देखेंगे कितना ल्यूसिड मैनर आप ट्रांजिएंट को हैंडल कर सकते हो, ओके। तो यहीं पे इसको खत्म करते हैं और आगे जल्दी मिलते हैं विद नेक्स्ट वीडियो विद द जेनिक एजुकेशन टीम। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक यू ऑल।